इस क्वेश्चन में दिया है कि द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। एयर बबल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, तो कुछ ये स्फेयर की शेप में होता है। तो दिया है कि रेडियस ऑफ दिस बबल इज इंक्रीजिंग dr/dt इक्वल टू हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो निकालना है कि एट वॉट रेट वॉल्यूम ऑफ द एयर बबल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज हाफ 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम इस एयर बबल का हो गया 4/3 πr³, क्योंकि स्फीयर का शेप का है। तो dv/dt निकालना है एट r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो पहले हम dv/dt निकालेंगे। dv/dt इक्वल टू d/dt ऑफ 4/3 πr³ इक्वल टू हो गया 4/3 π इंटू, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, और डिफरेंशिएशन होगा आर क्यू का, तो 3r² dr/dt। तो dv/dt एट r इक्वल टू 1 हो गया इक्वल टू 4/3 π इंटू 3 इंटू 1, आर की जगह कितना हो गया 1 के² इंटू dr/dt कितना है 1/2। ये 3 से कट गया, ये से ये 2 कट गया, इक्वल टू कितना गया 2 π cm³ पर सेकेंड।